नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़। दोस्तों, आज मैं बहुत हताश और बहुत हारा हुआ हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कहते हुए हो सकता है कि मैं भावुक हो जाऊँ, मगर मैं कहूँगा और वो आपको आज सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हम किसी न किसी दल के समर्थक या विरोधी हो जाते हैं, मगर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो देखने के लिए सबसे पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सियासी मंचों से विकास के ढोल पीटने वाले खद्दरदारी क्या इस लायक नहीं कि एक किसी मजबूर को एक घर तक मुहैया करा दे। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। क्या हमारा देश इतना डिजिटल हो चला है कि उस डिजिटल इंडिया में कोई शख्स किचन छोड़कर शौचालय में खाना बनाने को मजबूर हो? जी हाँ, शौचालय में खाना बनाने को मजबूर हो जाए। इस तस्वीर को सबसे पहले आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसे देखने के बाद अगर आप में नाम को भी इंसानियत बची होगी तो खुद से घिन आएगी। हो सकता है आप खुद से एक बार तो सवाल कर ही ले कि आपसे जाति, धर्म, विचारधारा, अगड़ा, पिछड़ा, इन सब के नाम पर वोट लेकर सत्ता की मलाई खाने वाले अपने आलीशान बंगलों में मखमली चादर लपेटकर एसी की ठंडक में सोने वाले खद्दरदारियों को क्या देश की ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती होंगी? जवाब हम दे देते हैं, जरूर दिखाई देती होंगी, मगर जब काम बांटने से चल जाता हो तो फिर इन्हें देखने की क्या जरूरत है। और आप तक सच पहुंचाने वाला मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जब खुद सत्ता की गोद में बैठा हो तो फिर बागों में बाहर ही बाहर है। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से सवाल जरूर करना कि चुनाव के वक्त आप अपने जहन में जो मुद्दे लेकर मतदान स्थल तक पहुंचे थे, क्या वो मुद्दे काफी थे? दरअसल ये वीडियो बिहार के नालंदा जिले के दिरीपर का है, जहां 10 साल की बच्ची अपनी दादी कौशल्या देवी के साथ एक झोपड़ी में रहती है। इस छोटी बच्ची ने अपनी इतनी सी छोटी सी उम्र में कितने गम उठाए, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि इस मासूम ने एक विपदा में पूरा परिवार खो दिया। अब अगर इस दुनिया में उसका कोई है तो वो है इसकी बूढ़ी दादी कौशल्या। कौशल्या की आंखें विकास की राह देखती हुई बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी रोशनी पूरी तरह बुझने को तैयार है, मगर वो इस मासूम बच्ची के लिए भीख मांगती है। मगर किसी समाजसेवी या किसी खद्दरदारी को इनका दर्द कभी नहीं दिखा। इतना ही नहीं, अम्मा दिन भर भीख मांगकर खुद जिंदा रहने और बच्ची का पेट भरने के लिए शौचालय में खाना बना रही थी, तो किसी ने डिजिटल इंडिया की ये तस्वीर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि नालंदा जिला बिहार के मुखिया नीतीश बाबू का गृह जनपद है। अगर हाँ, तो सवाल ये कि नीतीश बाबू, क्या आप इस माँ की बूढ़ी आंखों में एक बार, सिर्फ एक बार आंख डालकर देख सकते हो? इस छोटी बच्ची के किसी एक भी मासूम सवाल का जवाब दे सकते हो? और दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों की इस तस्वीर पर चुप्पी बताती है कि बागों में बहार ही बहार है। और दोस्तों, आप देखिएगा कि ये बेशरम मीडिया इसे किस तरह अपने चहेते नेताओं की गोद में बैठकर इस पर सिस्टम का रोना रोएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो सत्ताधारी आपसे वोट मांगने आते हैं, जो ये ढोल पीटते हैं कि देश हमारा डिजिटल इंडिया बन चुका है, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंच जाए। और अगर अगली बार आप वोट डालने जाएं तो इस ऐसी कई तस्वीरें जो आपके सामने आ चुकी हैं, उन तस्वीरों को दिमाग में रखें और इस बात का ख्याल रखें कि इस बार वोट हमें बड़बोले नेताओं को देना है या विकास करने वाली पार्टियों को देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ Time24 न्यूज़ पर। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।